लोगों को कुछ होता है रतौंधी और दिनौंधी, हो सकता है उनको दिनौंधी हो गई है, उनको कार्य जो विकास की कार्य चल रही है माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा, नीतीश कुमार जो हमारे बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा किए गए कार्यों को वो अगर नहीं देख पाते हैं तो उनको हम दिनौंधी ही कहेंगे, उनको दिनौंधी हो गई है। नमस्कार, मैं हूँ राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं HS बिहार। बिहार में विधानसभा 2020 का जो परिणाम आया है उसके बाद नेताओं में थोड़ा डर दिखाई दे रहा है और वो साफ नज़र इस वजह से आ रहा है क्योंकि चुनाव के तुरंत बाद ही नेता जो हैं वो एक्टिव मोड में हैं और काम को लेकर काफ़ी ज़्यादा सजग आ रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। और इसी के कड़ी में जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के विधायक हैं, सिकंदरा से विधायक हैं प्रफुल्ल मांझी, वो अपने क्षेत्र के खैरा प्रखंड कार्यालय पहुँचे थे जहाँ पर उन्होंने एक विवादित बयान भी दे दिया है। लेकिन उससे पहले वो वहाँ के पदाधिकारियों पर काफ़ी ज़्यादा नाराज दिखे, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिखे हैं। गुस्सा वो इसलिए दिखे कि उनका मानना है कि उनके क्षेत्र में जो किसानों की समस्याएं हैं उनका सही से समाधान वहाँ के पदाधिकारी नहीं कर रहे हैं और इसी को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा पदाधिकारियों पर बरसते नज़र आ रहे हैं। वो कहता था लाल बहादुर शास्त्री जी को कि देखिए ना, फलना मंत्री का बेटा हमको कहता है कि तुम्हारे पिताजी कहते हैं कि मजदूर, हम मजदूर हैं और आप मजदूर का बेटा हो, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहे थे कि शान से कहो कि हम मजदूर के बेटे हैं। तो मेरा कहना है कि आप भी शान से कहते हैं कि हम कृषक का बेटा हैं, दूसरे तरफ कृषक लोग को दबलाते हैं, कृषक लोग को जो है सो इग्नोर करते हैं। ये कैसा कृषि पुत्र हैं आप, प्रकार से मजदूर अपने आप को कहते हैं और मजदूर की जब समस्या को सुनते हैं तो हम तत्पर होते हैं और वो एक तरह का जब उसका हम काम नहीं कर पाते हैं तो एक मर्म पैदा होती है, उसी तरह का आप लोगों में भी तो होना चाहिए। आप लोग आज से प्रण कर लीजिए। और एक हमारे साथी कह रहे थे कि हम कम मानदेय में काम करते हैं, हम आपकी आवाज़ को उठाएंगे लेकिन तभी सार्थक होगा जब आप कंप्लेन सुने नहीं, सुनने का मतलब वो नहीं रखें। रखिए, ये हौसला रखिए कि मेरे क्षेत्र में जो कृषकों को जो सरकार के द्वारा सुविधाएं दी जा रही है, जो बातें बताई जानी है हम उसको बताएं, उसका लाभ उसको दें। बाकी बातें तो आप जो करते हैं वो हम भी समझते हैं और आप भी समझते हैं, सारे लोग भी समझते हैं। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से खैरा प्रखंड के कार्यालय में जो वहाँ के विधायक है सिकंदरा के प्रफुल्ल मांझी, वो पदाधिकारियों पर गुस्सा है और सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि आपकी समस्याओं को हम सुनेंगे लेकिन तब जब आप यहाँ के क्षेत्र की जनता की समस्याओं को सुनिएगा। लेकिन इसके बाद जब वो मीडिया से मुखातिब हुए तो उसमें वो एक विवादित बयान चिराग पासवान, लोजपा के सुप्रीमो चिराग पासवान पर उन्होंने दे दिया है। सुनिए पहले कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। आज का कार्यक्रम था पदाधिकारियों के साथ जो मेरे विधानसभा में इस खैरा प्रखंड का जो पंचायत पड़ता है उनसे संबंधित विकास के कार्यों का समीक्षा करना। उसमें हमारे प्रखंड के जो पंचायत संबंधित विकास की बातें थी उस पर हम लोगों ने फीडबैक लिया है, उनको कुछ निर्देश दिया है कि जो भी कार्य पहले आप करते थे उससे आप स्टैंडर्ड को ऊंचा कीजिए कार्य का और तभी जनता का काम आगे बढ़ेगा। जब तक स्टैंडर्ड आप नहीं बढ़ाएंगे तब तक मेरा विधानसभा का जो क्षेत्र है जो पिछड़ा कहा जाता है आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसी का निवेदन भी करने आए थे और निर्देश भी देने आए थे। क्या कमी दिख रही है? देखिए, कमी तो वैसा भी कुछ वैसा महसूस नहीं किया गया है, जो कार्य चल रहा है सिलसिलेवार चल रहा है और उसमें हमने प्रगति लाने का जो है सो निर्देश दिया है। जैसे कि पिटारा, इसके लिए आपको क्या दिख रहे हैं, कमी दिख रही है या फिर ऐसे? देखिए, कुछ कार्य अभी बाकी है, उनका नज़रिया हो सकता है लोगों को कुछ होता है रतौंधी और दिनौंधी, हो सकता है उनको दिनौंधी हो गई है, उनको कार्य जो विकास की कार्य चल रही है माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा, नीतीश कुमार जो हमारे
बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा किए गए कार्यों को वो अगर नहीं देख पाते हैं तो उनको हम दिनौंधी ही कहेंगे, उनको दिनौंधी हो गई है। तो लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से रतौधी एक बीमारी होती है, शायद चिराग पासवान को भी दिनौधी हो गया है, और इसी वजह से नीतीश कुमार का जो सबसे बेहतरीन काम है 7 निश्चय योजना, वो उनको नजर नहीं आ रही। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने लगातार 7 निश्चय योजना पर सवाल उठाया और कहा है कि इसमें सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। हालांकि अभी इस पर कई क्षेत्रों में जांच भी चल रही है, अब देखना होगा कि क्या कुछ निकला है। लेकिन जिस तरह से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सिकंदरा से विधायक प्रफुल्ल मांझी ने लोजपा सुप्रीमो पर यह विवादित टिप्पणी की है, उसके बाद देखना होगा कि लोजपा क्या पलटवार कर रही है। फिलहाल के खबर में इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए हमारे चैनल HS बिहार को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।